तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा था कि ए बी सी एंड डी यहाँ पर रियल नंबर है और जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट कि ये इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है और सी की वैल्यू दे रही है, तो अपन को बताना है कि जेड किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। तो ये जो जेड की पावर 4+az³+bz² प्लस सी जेड प्लस डी है, तो यहाँ पर ये जेड की पावर 4 बन रहा है, तो तुम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, अज्यूम करके इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ताकि सी की वैल्यू इस फॉर्म में अपन को मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं ये अज्यूम करूँगा a/2z+p² + q। अब जब तुम इसको इस फॉर्म में अज्यूम करोगे तो यहाँ पर अब तुम एक बार कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे दोनों साइड, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये हो जाएगा जेड की पावर 4+ यहाँ पर az³+a²/4+2p×z²+ap_z+p²+q। तो तुम्हारे पास फाइनली ये आएगा जब इसको तुम ओपन करोगे, और अब तुम यहाँ से दोनों तरफ कंपेयर करो तो ये सेम है, जेड की पावर 4az³ सेम है, बी को यहाँ से तुम कंपेयर कर सकते हो, तो a²/4+2p आएगा, एंड सी को यहाँ से कंपेयर करोगे तो ap के इक्वल आएगा, एंड डी यहाँ पर p²+q के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ से अगर तुम देखो तो यहाँ से p निकाल सकते हो और यहाँ से p निकाल सकते हो और दोनों को इक्वेट कर सकते हो, तो c/a=2 हो जाएगा तुम्हारे पास b/2 - a²/8, एंड a को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो c=, तो हमारे पास ab/2 - a³/8 आ जाएगा, जो कि इससे एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ये अजम्पशन अपना करेक्ट है, इस तरीके से अपन इसको ले सकते हैं। तो जब अपन को पता चल गया ये अजम्पशन अपना करेक्ट है, तो अपन अब इसको आगे देखें, तो p अपने पास आ ही गया कि b/2 - a²/8 है, क्यों अपन को पता है यहाँ पर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं b-p², एंड जो p² हो जाएगा इस केस में वो तुम इसका स्क्वायर कर सकते हो, तो ये b²/4+a²/4/64 - 2a²b/16 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास p²=2 हो गया, a²/4/64 - a²b/8+b²/4, तो इस तरीके से आ गया तुम्हारे पास। अब तुम्हें क्या दे रखा है कि ये जो है वो जीरो के इक्वल दे रखा है, तो तुम यहाँ पर जो ये अपन ने माना था अजम्पशन a/2z+p²+q इसको जीरो के इक्वेट कर सकते हो, तो यहाँ से तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो z²+a/2z+p=±√(-q), और यहाँ से लिख सकते हो z²+a/2z=p±√(-q). और अब तुम क्या कर सकते हो, दोनों तरफ यहाँ पर अगर तुम देखो तो ऐड कर दो इस चीज को a/4 के होल स्क्वायर को, यहाँ पे अगर अपन ऐड कर दे a/4 के होल स्क्वायर को, तो इधर ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, z+a/4 का होल स्क्वायर a²/16 - p±√(-q) इस तरीके से आ जाएगा। तो अब z+a/4 = ±√(a²/16 - p±, और q की जगह तुम्हें पता ही है कि क्या पुट करना है, d-p² पुट करना है, तो z=-a²/±√(a²/16 - p±√(p²-d) इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर तुम बाकी चीजें भी लिख सकते हो, जैसे a²/16 - p को तुम इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर p की वैल्यू पता है, वो है b/2 - a²/8, सो
तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये 3a² डिवाइडेड बाय 16 - b/2 आ जाएगा, जिसको तुम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो इसकी जगह। एंड वैसे ही p² - d को भी तुम देख सकते हो, तो p का तुम स्क्वायर कर सकते हो इजीली, तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास b² / 4 प्लस a² / 16 एंड माइनस का d। तो ये सारी चीज तुम अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो फाइनली तुम्हारे पास ये आ जाएगा z=2। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।